the steps taken to fast-track India's march into the 5G era provide a compelling proof of our Prime Minister's determination. This is most heartening because 5G is much more than the next generation of connectivity technology. To my mind, it is a foundational technology that unlocks the full potential of other 21st century technologies like artificial intelligence, Internet of Things, robotics, blockchain and metaverse. क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक भारतीय उद्योगपति जो पहले से ही दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल ब्रॉडबैंड बाजारों में से एक में अग्रणी है, अब अफ्रीका के डिजिटल परिदृश्य को बदलने की तैयारी कर रहा है? जी हाँ, ये सच है। मुकेश अंबानी, जिन्होंने भारत में जियो इन्फोकॉम के माध्यम से दूर संचार क्षेत्र में क्रांति ला दी, अब अफ्रीका में 5G सेवाओं की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये कदम न केवल उनके व्यवसाय को वैश्विक स्तर पर विस्तारित करेगा, बल्कि अफ्रीका के उभरते डिजिटल बाजार में भी महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। ये प्रयास एक प्रमुख सवाल उठाता है, क्या अंबानी की यह पहल अफ्रीका के डिजिटल भविष्य को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है? क्या ये कदम भारत अफ्रीका संबंधों में नया आयाम जोड़ सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या ये चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने में मदद कर सकता है? आइए इन सवालों का उत्तर खोजने के लिए इस घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी पर गौर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी रेडिसीज एक घाना आधारित कंपनी के साथ मिलकर 5G साझा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर समाधान प्रदान करेगी। नेक्स्ट जेन इंफ्रा को NGIC इस साल के अंत तक अपनी सेवाओं की शुरुआत करने की योजना बना रही है। NGIC को घाना में 10 वर्षों के लिए 5G सेवाएं प्रदान करने का विशेष अधिकार प्राप्त है, हालांकि इसका लाइसेंस 15 वर्षों के लिए वैध है। कंपनी ने 3 वर्षों के लिए 145 मिलियन का पूंजीगत व्यय निर्धारित किया है और अंबानी की जियो इन्फोकॉम की सफलता को दोहराने की कोशिश कर रही है। मुकेश अंबानी की अफ्रीका में 5G सेवाओं की पहल एक रणनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। रिलायंस की सहायक कंपनी रेडिसीज घाना में नेक्स्ट जेन इंफ्रा को NGIC के साथ मिलकर प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर एप्लीकेशन और स्मार्टफोन प्रदान करेगी। NGIC, जो अफ्रीका में डिजिटल सेवाओं को सस्ती बनाने के सिद्धांत पर आधारित है, अपने 5G नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बाजार में प्रवेश करेगा। कंपनी ने घाना में अगले 3 वर्षों के लिए 145 मिलियन का पूंजीगत व्यय निर्धारित किया है और इसका लक्ष्य अंबानी की जियो इन्फोकॉम की सफलता को दोहराना है। NGIC को 5G सेवाएं प्रदान करने के लिए घाना में 10 वर्षों का विशेष अधिकार प्राप्त है, हालांकि इसका लाइसेंस 15 वर्षों के लिए वैध है। इस पहल में नोकिया, टेक महिंद्रा और माइक्रोसॉफ्ट जैसी प्रमुख कंपनियों का समर्थन भी शामिल है, जो इसे तकनीकी दृष्टिकोण से और भी मजबूत बनाता है। घाना में वर्तमान में 3 मुख्य ऑपरेटर हैं, MTN घाना, वोडाफोन घाना और राज्य संचालित एयरटेल टिगो। NGIC की साझेदार कंपनियां तकनीक की क्षमताओं और 5G लाइसेंस के साथ बाजार में एक महत्वपूर्ण बढ़त प्रदान करेगी। वैसे मुकेश अंबानी की इस पहल का विश्लेषण करते हुए यह स्पष्ट होता है कि यह न केवल व्यावसायिक निर्णय है, बल्कि एक रणनीतिक चाल भी है, क्योंकि अफ्रीका का दूर संचार बाजार तेजी से बढ़ रहा है और इसमें बड़ी संभावनाएं हैं। हालांकि इसे व्यापक निवेश और उच्च गुणवत्ता वाले इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। भारत की जियो इन्फोकॉम की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि सही रणनीति और तकनीकी नवाचार के साथ डिजिटल सेवाओं को सस्ती और सुलभ बनाया जा सकता है। वर्तमान में अफ्रीका में कई देश डिजिटल क्रांति के दौर से गुजर रहे हैं। घाना में NGIC का 5G नेटवर्क इस प्रक्रिया को और भी तेज कर रहा है। नोकिया, टेक महिंद्रा और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के सहयोग से ये पहल और भी प्रभावी होगी। हालांकि इस प्रक्रिया में कई चुनौतियां हैं। अफ्रीका में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक असमानता जैसे मुद्दे प्रमुख हैं। इन चुनौतियों का समाधान किए बिना डिजिटल सेवाओं की सस्ती और सुलभता को सुनिश्चित करना मुश्किल हो सकता है। इस पहल के कई सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं,
जैसे 5G सेवाओं की शुरुआत से घाना और अन्य अफ्रीकी देशों में डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इसे नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। वहीं डिजिटल सेवाओं की सुलभता से शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच बढ़ने से इन सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आएगा। और सबसे बड़ी बात की यह पहल भारत और अफ्रीका के बीच संबंधों को मजबूत करेगी। डिजिटल समावेश के माध्यम से भारत अफ्रीका में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला कर सकता है। आपको बता दें कि अफ्रीका में डिजिटल क्रांति के कई अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे कि 2014 में केन्या में एम-पेसा की शुरुआत हुई थी, जिसने मोबाइल बैंकिंग को एक नया आयाम दिया। एम-पेसा ने लाखों लोगों को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच प्रदान की और केन्या की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव लाया। इसी तरह नाइजीरिया में भी डिजिटल सेवाओं के विस्तार से कई छोटे और मध्यम व्यवसायों को लाभ हुआ। तो इस तरह मुकेश अंबानी की अफ्रीका में 5G सेवाओं की पहल एक महत्वपूर्ण कदम है जो अफ्रीका के डिजिटल परिदृश्य को बदल सकता है। यह पहल न केवल अफ्रीका के आर्थिक विकास में योगदान देगी बल्कि भारत अफ्रीका संबंधों को भी मजबूत करेगी। हालांकि इस प्रक्रिया में कई चुनौतियां हैं और इनका समाधान किए बिना डिजिटल सेवाओं की सस्ती और सुलभता को सुनिश्चित करना मुश्किल हो सकता है। बाकी आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे थे एयर न्यूज़। धन्यवाद।